हेलो एवरीवन, आज है 16 मार्च और 16 मार्च से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम किस नाम से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण से 2018 में भारत में 1.24 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई, जो कि सभी मौतों का लगभग 12.5% है। इसका सही आंसर है GEO6, GEO6, और इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक, ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, 15 मार्च, और 8 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल वोमेंस डे, और 14 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड किडनी डे, वर्ल्ड किडनी डे। हाल ही में किस देश में एक आतंकी ने 2 मस्जिदों पर हमला करके 49 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है? इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च नामक स्थान पे, क्राइस्ट चर्च नामक स्थान पे, और न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन, वेलिंगटन। आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को प्राइवेट बैंक घोषित किया है? प्राइवेट बैंक घोषित किया है IDBI बैंक को, IDBI, और इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका चेयरमैन है हेमंत भार्गवा, हेमंत भार्गवा। हाल ही में भारत के किस राज्य में वेस्ट नील वायरस का पहला मामला सामने आया है? यह आया है केरल में, केरल, और केरल के मालापुरम, केरल के मालापुरम में आया है, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, और केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, पिनरई विजयन। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में BCCI द्वारा किस क्रिकेटर पर लगाया गया आजीवन प्रतिबंध हटा दिया है? यह है श्री संत, श्री संत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई, रंजन गोगोई। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की किस पहली महिला जगत गुरु और वसवा धर्म पीठ प्रमुख का 14 मार्च 2019 को बेंगलुरु के अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया? ये थे माते महादेवी, माते महादेवी। धार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक MR कुमार को कितने साल के लिए देश की सबसे बड़ी व सरकारी बीमा कंपनी LIC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? किया गया है 5 साल के लिए, 5 साल, और कार्मिक मंत्रालय इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। भारत ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान से मांग की है कि वह ऐतिहासिक करतारपुर गुरुद्वारे तक जाने के लिए प्रतिदिन कितने भारतीय और भारतीय मूल के श्रद्धालुओं को वीज़ा मुक्त प्रवेश की सुविधा दे, वीज़ा मुक्त। यह है 5,000 भारतीय के लिए मांगी है, 5,000 भारतीय। अगला क्वेश्चन, IPL 2019 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को टीम से सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है? यह है सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली। तो ये था आज 16 मार्च का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।